आप सभी पत्रकार साथियों का हमारे छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और हमारे भाई धरेन जी के निवेदन पर, हम सब के निवेदन पर आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आज हम सब लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता करने की बात सोची। ये 1991 में बड़े भैया अवधेश राय जी की हत्या हुई थी और वो मुकदमा लगातार बनारस में चल रहा था। विगत कुछ सालों से उस पर स्टे की कार्रवाई वर्तमान विधायक मुख्तार अंसारी के द्वारा लिया गया था, जिन्होंने उस पूरे मुकदमे को स्टे कराया था। वो हम सब लोग लगे थे कि कैसे वो स्टे तुरंत वैकेट हो, और वो स्टे वैकेट हुआ और उसमें पिछली एक दो तारीखें पड़ी हैं। 9 तारीख को इलाहाबाद स्पेशल कोर्ट, जो MP MLA कोर्ट है, उसमें उस मुकदमे की फिर से गवाही तो मेरी हो गई है और पूरी गवाही ठोंक कर हुई है, जिसमें मुख्तार अंसारी को निश्चित तौर से सजा होनी है। और उसको फिर ये इन्होंने स्टे कराया था और ये वैकेट हुआ है, और उसमें जीरा की कार्रवाई चल रही थी जब बम ब्लास्ट हुआ था बनारस में। आप सबको ध्यान होगा, उस बम ब्लास्ट के बाद स्टे ले लिया था इन लोगों ने, और वो फिर मुकदमा चालू हुआ है और उसमें हम सब लोग गवाह हैं, चश्मदीद गवाह हैं, वादी मुकदमा है, और उसमें पूरी तरीके से 9 तारीख को हम सब लोग उसमें जो भी उसमें चीज़ें छूटी हैं उसको हम पूरा करने के लिए इलाहाबाद हम लोग जाएंगे। सुबह यहाँ से घर से 6 बजे निकलेंगे, संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद हम सब लोग इलाहाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। और आपको बता दूं कि इसमें पूरी तरीके से सरकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। सरकार को कोर्ट ने आदेश किया है, MP MLA कोर्ट ने आदेश किया है कि तत्काल उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और उनको बनारस से इलाहाबाद कोर्ट लाने ले जाने के लिए पूरी समुचित व्यवस्था की जाए। आदेश कोर्ट का आदेश है मेरे पास, उसके बाद भी अभी तक यहाँ की प्रदेश की सरकार जो अपने आप को लगातार ये कहती है कि हम सब लोग ऐसे मुकदमे में ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हैं, मुख्तार अंसारी अतीक जैसे लोगों के खिलाफ खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से सरकार उनको बचा रही है, उनको संरक्षित कर रही है। उनके मंत्री, उनके विधायक लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी, प्रियंका जी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये पंजाब में उनको रोकी हुई है कांग्रेस की सरकार। अरे भाई, आपकी सरकार देश में है, प्रदेश में आपकी सरकार है, आप उनको लाइए, ले आकर उनके खिलाफ कार्रवाई करिए और सुरक्षा देने की बात, मुझे सुरक्षा कोर्ट ने आदेश किया है सुरक्षा के लिए।